नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करेंगे, स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 13 रुपये में है। बैंक ने अपडेट दिया है नेट एडवांसेस और डिपॉजिट्स के बारे में। Q4 के नतीजे आएंगे, Q4 FY22, Q4 2022 के नतीजे आएंगे, और उससे पहले अपडेट आया है नेट एडवांसेस और डिपॉजिट्स कितना इम्प्रूवमेंट रहा है उसको चेक कर लेते हैं। Q4 के नतीजे आएंगे, उससे पहले डिपॉजिट्स कितना हुआ है, लोन्स कितने बटे हैं, तो उसको देख लेते हैं। यस बैंक लिमिटेड ने एक्सचेंज को जो अपडेट दिया है, नेट एडवांसेस की बात कर लेते हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो ग्रोथ रही है 3% की ग्रोथ है, और सालाना 8.8% की ग्रोथ है। अगर हम फिगर की बात करते हैं तो 31 मार्च 2022 तक 1,81,508 करोड़ का नेट एडवांसेस है, और 31 दिसंबर 2021 को 1,76,241 करोड़ का था। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से जो ग्रोथ है 3% की ग्रोथ है दोस्तों, 3% की ग्रोथ है, और 31 मार्च 2021 को एक साल पहले 1,66,803 करोड़ का नेट एडवांसेस था, और सालाना 8.8% की ग्रोथ है। सालाना 8.8% की ग्रोथ है, इम्प्रूवमेंट तो रहा है। और नेट एडवांसेस में क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी देखते हैं तो 3% की ग्रोथ है। डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो देखिए 1,97,281 करोड़ का डिपॉजिट्स है 31 मार्च 2022 तक, और 1,84,288 करोड़ का डिपॉजिट्स था 31 दिसंबर 2021 तक। 7.1% की ग्रोथ है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से। और सालाना देखते हैं तो देखिए 21% की ग्रोथ है, 1,62,947 करोड़ का है। तो सालाना डिपॉजिट्स में बढ़ोतरी हुई है, 21% की बढ़ोतरी हुई है। आगे भी इन्होंने और डिटेल दिया है, कासा के बारे में दिया है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो के बारे में दिया, 92% का है। तो यस बैंक की तरफ से ये अपडेट आया है। नेट एडवांसेस की बात करते हैं तो सालाना 8.8% की ग्रोथ आई है, और डिपॉजिट्स में सालाना 21% की ग्रोथ आई है। 1,97,281 करोड़ तक पहुंच गया है, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है यस बैंक में। और शेयर प्राइस की बात करते हो तो 13 रुपीज में दोस्तों। तो दोस्तों, यस बैंक ने जो अपडेट दिया है उसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है, डिपॉजिट्स भी बढ़े हुए हैं और नेट एडवांसेस भी बढ़े हुए हैं। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो पिछले एक साल के अनुसार ये ऊपर की तरफ, पिछले साल ये 5 अप्रैल 2021 को 15 रुपये 50 पैसे में था, आज के दिन 13 रुपीज में। तो अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने, और जो रेंज इसकी बनी है 12 रुपये से 15 रुपये तक के बीच बनी है, और 13 रुपये में स्टॉक प्राइस है 5/4/2022 को। अब Q4 के नतीजे आएंगे, तो जैसे कि हम लोगों ने डिपॉजिट्स और नेट एडवांसेस को देखा तो इम्प्रूवमेंट तो आया है, और पिछले 3 क्वार्टर के हिसाब से देखा जा रहा है कि बैंक को प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों, बैंक को प्रॉफिट आ रहा है। और पिछली बार जो इसका प्रॉफिट था ये था 265 करोड़ का था, और उससे पहले 222 करोड़ का था, और उससे पहले जून 2021 में 203 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले साल मार्च के क्वार्टर में इसका जो नेट प्रॉफिट माइनस में था 3,790 करोड़ का लॉस था। तो अब की बार एक तरह से प्रॉफिट आना चाहिए, तो बैंक में तेजी आने की संभावना रहेगी। सबसे बड़ा जो कारण बना हुआ है यस बैंक के न बढ़ने का, वो बना हुआ है ग्रॉस अनपेज और नेट अनपेज। ग्रॉस अनपेज देखिए 14.65 का है, ग्रॉस अनपेज 14.65 का है। नेट अनपेज की बात करते हैं तो 5.29 का है, ये लास्ट दिसंबर 2021 तक का है। और यस बैंक का जो ग्रॉस अनपेज है ये कम होता है अब की बार, और नेट अनपेज में कमी आती है तो स्टॉक में एक तेजी आने की संभावना रहेगी। ग्रॉस अनपेज में कमी आती है, नेट अनपेज में कमी आती है, तो फिर स्टॉक में अच्छी तेजी आने की संभावना रहेगी। बट जो रेंज बना हुआ है तो उस तरह से हो सकता है ऊपर की तरफ 15 रुपये 50 पैसे को क्रॉस करेगा, तब फिर एक तेजी की संभावना रहेगी। समय लग रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। बैंक की तरफ से नेट एडवांसेस और डिपॉजिट्स का अपडेट था, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यस बैंक के बारे में। फिलहाल स्टॉक 13 रुपये के आसपास घूम रहा है, और आने वाले दिनों में Q4 के भी नतीजे आएंगे। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर मार्केट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए नए नए वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।